हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टेक ऑफ टेली इंडस्ट्री में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि चेक बुक का अप्लाई कैसे किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक का। यदि आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है और आप चेक बुक लेना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं चेक बुक के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, अपने मोबाइल में PNB One एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर नहीं है एप्लीकेशन तो आप क्रोम ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, तो मेरे पास है तो मैं यहाँ इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एमपिन डालना है 4 अंक का। जैसे ही आप एमपिन डालिएगा आपका PNB One एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्विसेज और यहाँ पे दिख रहा है चेक। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं चेक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और यहाँ पे आप सर्विसेज दिख रहा है और सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है चेक, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो ये ओपन हो जाएगा चेक बुक। यहाँ से आपको क्या करना है, अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नंबर ऑफ चेक लीव्स, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कितने पेज का आप चेक बुक लेना चाहते हैं। यहाँ पे 20 पेज है, 50 पेज है, 100 है, तो जितना पेज का लीजिएगा उस हिसाब से चार्ज भी कटेगा, जो बैंक का चार्ज होता है चेक बुक का। तो यहाँ पर मैं 20 पेज लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको चार्ज अकाउंट, किस अकाउंट से पैसा कटेगा वो अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे नाम वही रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिलीवरी एड्रेस, आपकी ये एड्रेस पे आपका चेकबुक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारा डिटेल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है, नाम अपना डाल देना है जो आपका नाम है अकाउंट्स पे, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा। आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यदि आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए तो उसे फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप देखें रिक्वेस्ट विथ रेफरेंस आईडी भी दिया हुआ है और ये सबमिट हो चुका है, अभी बैंक में अप्रूवल होने में टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपना चेकबुक पंजाब नेशनल बैंक का अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।